मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्क इंस्ट्रक्शन सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें अपने 6-7 वीडियो अपलोड किए थे, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोग का, तो मैं सोचा इसको हम क्यों ना कंप्लीट कर दें। तो आज हम रिम फ्रेम का जो कारीगर है, टेंटर है, उसका वर्क इंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, ये देखो यहाँ एक कोड रहता है वर्क इंस्ट्रक्शन का, जो एक कोड रहता है ये WRS008 इसमें लिख दिया, मतलब वर्क इंस्ट्रक्शन रिम फ्रेम साइडर 008 ऐसे बढ़ता रहेगा और मिल का नाम इधर लिखना है। वो इसीलिए इसको लिखना पड़ता है, क्योंकि जब वर्क इंस्ट्रक्शन आप बनाओगे दीवार में इसको डिस्प्ले में लिख के रखना पड़ेगा, ISO के लिए काम आता है, इसीलिए सीरियल नंबर देना ज़रूरत है। तो इसमें देखो रिम फ्रेम कारीगर का क्या क्या काम है। सबसे पहले रिपोर्ट ऑन ड्यूटी 15 मिनट बिफोर शिफ्ट चेंज, मतलब शिफ्ट चेंज से 15 मिनट पहले हर कारीगर को आना है, चाहे 8 घंटे का ड्यूटी हो या 12 घंटे का ड्यूटी हो, आप 15 मिनट पहले रिम फ्रेम कारीगर को ज़रूर डिपार्टमेंट के अंदर आना है। और वो टेक चार्ज ऑफ मशीन रिलेटेड टू ब्रोकन और मिसिंग पार्ट, अगर 15 मिनट पहले आ गए तो सबसे पहले क्या करना, मशीन की पूरा उसका जो अलर्टेड मशीन है, समझ लो एक लड़का का नाम हरि है, उसको 2-3 मतलब 2 मशीन मतलब 4 साइड चलानी है समझ लो, तो चारों साइड पे पूरा राउंड मार के देखेगा उसमें कोई पार्ट मतलब पुर्जे मशीन का पुर्जे कोई टूटा नहीं है या कोई मिसिंग नहीं है वो ज़रूर देखेगा, नहीं तो वो अगर टूटा हुआ होगा या कहीं गुम हुआ होगा अगर उसने देखा नहीं तो उसका ऊपर आ जाएगा वो, इसीलिए चार्ज में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। टेक द चार्ज ऑफ आइडल स्पिंडल्स एंड क्रिल कंडीशन, और उसके बाद देखना क्या है, मशीन में चारों साइड उसका जो अलर्टेड साइड है जिसको वो चलाने वाला है उसमें देखना है आइडल कितना है, आइडल स्पिंडल कितना है, मतलब बहुत ज़्यादा है तो इसको तुरंत वो जाने वाला कारीगर को पकड़ के इसकी इसको सही करनी पड़ेगी, अगर वो सही नहीं करता तो अपनी जो जावर सुपरवाइजर को खबर देना पड़ेगा कि इसमें देखो आइडल ज़्यादा है और अटेंड नहीं हुई, तो अटेंड करके जाएगा जाने वाला शिफ्ट। उसके बाद देखो क्रिल कंडीशन, क्रिल कंडीशन मतलब जैसे समझ लो आपकी 1008 बबिन है जो स्पिंडल का मशीन है, क्रिल का ऊपर मतलब एक्स्ट्रा होल्डर में बबिन रहना चाहिए, कहीं बटम बबिन लगा के नहीं चले जाए, इसको भी नज़र रखना पड़ेगा, फुल बबिन लगना चाहिए, इमीडिएट माल खुल गया अचानक 200-400 खुल गया फिर कंट्रोल नहीं होगा, और उसके बाद गाड़ी में माल पैक ट्रेली में ला के मशीन के पास है नहीं है, वो सब स्टक वगैरह कारीगर को पहले से नज़र लगानी पड़ेगी। उसके बाद देखो इफ एनी अबनॉर्मलिटी इन्फॉर्म टू जॉबर और सुपरवाइजर, और कुछ मशीन में और कुछ कमी अगर रह गया है मतलब जाने वाला शिफ्ट की तरफ से तो तुरंत इसको बताइए। फॉर एग्जांपल डंपिंग होने वाला है लेकिन पैक ट्रे कंप्लीट नहीं हुआ, वो पिछले वाला शिफ्ट ने बॉबिन बराबर भरा नहीं तो मशीन डंपिंग होके बंद हो जाएगा, इसीलिए इसको भी एक अबनॉर्मलिटी बोला जाता है। और कोई मशीन में आवाज़ वगैरह आता है, यहाँ कहीं भी दिक्कत है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस साइड से तुरंत जॉबर सुपरवाइजर को बता रहा है। उसके बाद देखो चेक द अलर्टेड साइड ऑफ प्रीवियस शिफ्ट ड्राफ्ट जोन क्लीनिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लो आपके 4 साइड आप चला रहे हो या 3 साइड चला रहे हो जो भी है, समझ लो 3 साइड चला रहे हो तो अपना ABC में 3 साइड में एक एक साइड बटा हुआ परफेक्ट क्लीनिंग करनी है। अगर आपने शिफ्ट में आया तो आपके पिछला शिफ्ट का कौन सा साइड अलर्टेड है
वो साइड का पूरा सफाई का चार्ज लेना। ड्राफ्टिंग जोन सफाई बढ़िया रहेगा तो कार्य मतलब वर्किंग सही रहेगा। अगर उसने सफाई नहीं किया फिर आपको भी सफाई करने में तकलीफ जाएगा, क्योंकि जिस साइड पे सफाई हो रहा था क्या नहीं, ब्रेकेज बढ़ जाएगा, फिर आप भी नहीं कर पाओगे। कुल मिला के अल्टीमेटली वर्किंग खराब की तरफ जाता रहेगा। इसीलिए जाने वाला जो साइडर का अलर्टेड साइड है इसका सफाई जरूर चेक करना, नहीं है तो करवा के लेना। आज पर कलर कोड क्रील सिंपलेस बबिन, आज पर नीड टाइम टू टाइम। कलर कोड के हिसाब से समझ लो आपकी 30 काउंट चल रहा है, ब्लू कलर का सिंपलेस बबिन यूज हो रहा है, तो वो वाला कोम्ड का मटेरियल है, तो मटेरियल जहाँ है वहाँ से टाइम टू टाइम ला के मशीन में क्रील करना पड़ेगा। कलर कोडिंग का ध्यान रखें, कोई गलत माल ना लगा दे, वो टाइम टाइम टू क्रील करना पड़ेगा। उसके बाद देखो एंड मेंडिंग टू विथ मिनिमम पॉसिबल टाइम फॉर लेसर वेस्ट। एंड मेंडिंग मतलब धागा जो पीसिंग करते हैं, पीसिंग करने का टाइम में ध्यान रखें कि कम से कम टाइम में पीसिंग हो, वो ज़्यादातर निमाफिल वेस्ट में पंखा के अंदर मटेरियल ज़्यादा ना जाए, कम से कम वेस्ट बने उसकी ध्यान रखो। इफ एनी स्पिंडल फाउंड डिफेक्टिव इन फ्रॉम टू मेंटेनेंस सेक्शन। डिफेक्टिव स्पिंडल क्या होता है, समझ लो कोई स्पिंडल वाइब्रेशन हो रहा है, लूज है, कोई स्पिंडल रिंग टच हो रहा है, कोई एबीसी रिंग टच हो रहा है, ये सब जो बीमारी है, कोई मतलब टेप टूट गया, स्पिंडल टेप, चार स्पिंडल आइडल हो जाता है, तो ये सब चीज़ को नज़र रखें और इसको मेंटेनेंस वालों को टाइमली बुला के इसको अटेंड करना भी अपना काम है कारीगर का। रिमूव निमाफिल वेस्ट इन ईच डफ। आपकी जैसे जैसे डफिंग होता रहेगा, समझ लो आपकी 20 काउंट चल रहा है, डेढ़ घंटे में डफ आ रहा है, तो हर डेढ़ घंटे में निमाफिल बक्स है जो निमाफिल का वेस्ट जाके बक्स के अंदर जाली का अंदर रहता है, वो इसको दोनों साइड का या तीन साइड पे भी रहता है जहाँ जहाँ रहता है, इसको डफिंग के टाइम में क्लियर कर देना, ताकि सक्शन तेज हो और एंड डाउन कम रहे और ब्रेकेज भी कम रहे। हर डब में सफाई करना इसको। इफ़ यू आर रनिंग कटन नो नीड टू यूज लाइफ। आप अगर कटन का प्लांट में काम कर रहे हो साइडर के हिसाब से, तो आपको चाकू यूज करने का ज़रूरत नहीं है। चाकू यूज करना कटन प्लांट में क्राइम माना जाता है, आप बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर सिंथेटिक चलता है तो मिल वाला खुद देते हैं कि भाई आप चाकू लो और आराम से चलाना, जोड़ा वगैरह कम से कम काटना, तो वो देते हैं, लेकिन कटन में यूज नहीं करना। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फॉल्ट इन्फॉर्म जॉबर और सुपरवाइजर। अगर आपकी मशीन में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में बंद हो गया या मटेरियल फॉल्ट में बंद हो गया, तो आप तुरंत इसको अपने सुपरवाइजर या जॉबर को खबर दें। नेक्स्ट देखिए रिमप्रम कारीगर का हम वर्क इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं। और चेक रनिंग स्पीड ऑफ रिमप्रम। ये रनिंग स्पीड क्यों चेक करना पड़ता है, देखिए कारीगर का भी जिम्मेदारी रहता है, भाई रिमप्रम में 8 घंटे में इतना पाई आना चाहिए, इतना हैक आना चाहिए। अगर स्पीड कम चलेगा प्रोडक्शन कम आएगा, प्रोडक्शन कम आएगा उसका पर आरोप लगेगा, तू स्पीड कम किया था, तुम ये कर दिया था, वो कर दिया, मतलब दुनिया भर के आरोप लगता है। इसीलिए स्पीड इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। स्पीड कोई कम करता है, समझ लो कोई हेल्पर कम कर दिया, कोई जबर कम कर दिया, लेकिन आरोप उसका ऊपर लगता है। इसीलिए हर टॉप पर स्पीड चेक करना। और क्लीन द ड्राफ्ट जोन लिफ्टिंग टेप जकी पुली ब्रेक्स। जो रिमप्रम का जितना साफ सफाई का एरिया है इसको पूरा बढ़िया से क्लीन रखना है, ताकि आपकी वर्किंग बढ़िया रहे। अपनी अलॉटेड साइड तो सफाई करना, उसका अलावा जो ओवरऑल क्लीनिंग है, जैसे लिफ्टिंग टेप है, जक्की पुली है, ब्रेक है, वो भी साफ सफाई रखना। जितना सफाई रखोगे उतना ब्रेकेज कम रहेगा। आफ्टर डफिंग हेल्प डफर्स और गेटर्स फॉर गेटिंग अप एंड्स। जब डब गिर जाता है, जब गेटिंग में लग जाते हैं, डफर हो या गेटर जो भी है, 5-6 आदमी रहते हैं, 8 आदमी रहते हैं मशीन का साइज के हिसाब से, उसमें भी आपको कारीगर को पहला राउंड जब मारते हैं इसमें एक बार मदद करना ज़रूरत है। मदद करेगा तो मशीन बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। ड्यूरिंग रिंग ट्रबलर चेंज या लाट चेंज हेल्प योर डफर टिप।
जब कभी आपका रिंग ट्रबलर चेंज का शेड्यूल पड़ गया या कभी लॉट चेंज, पूरा मटेरियल चेंज होता है, सारे धागे का पीसिंग करनी पड़ेगी, उस टाइम में कारीगर को फांकी नहीं मारना, कारीगर के साथ में रहना है, डफर या गेटर टीम जबर के साथ रहना है, माल लगाने में मदद करे, पूरा मशीन गेटिंग करते जब उसमें धागा लगाए, वो छल्ला जब चेंज करते छल्ला डाले या धागा फंसाए, कुछ ना कुछ काम करते हुए नजर आना चाहिए। साइडर का फर्ज बनता है मशीन के साथ लगे रहे। उसके बाद देखो ड्यूरिंग लंच टाइम रिटर्न बैक टू डिपार्टमेंट इन टाइम। लंच टाइम जो होता है जैसे 8 घंटे में आधा घंटा या 12 घंटे 45 मिनट हुआ, जो भी हुआ लंच टाइम में आप टाइम पे जाओ, टाइम पे आओ, ताकि आपकी जो रिलीवर होता है मशीन जाम नहीं करे। ज़्यादा टाइम लोगी तो दूसरा आदमी छोड़ देगा तो आपकी मशीन जाम हो जाएगा, फिर मशीन सही करने के लिए आपको 1-2 घंटा फालतू लग जाता है। तो लंच टाइम में आप जाइए, टाइम पे आइए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। If you are running a roving grindle, roving arrangement to check। अगर आप roving grindle कभी चला रहे हो, मतलब लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, राइट में डार्क साइड लेफ्ट में लाइट साइड उल्टा पुल्टा ना हो जाए, इसको आप कारीगर को नज़र रखना पड़ेगा। और चेक रैचेट व्हील फ्रिक्वेंटली टू प्रिवेंट रिंग कट प्रॉब्लम। रैचेट व्हील जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रैचेट व्हील ना भारी रखे ना हल्का रखे। जैसे अपन को समझ लो एक मशीन में अपन को 64 ग्राम लेनी है, 64 ग्राम लेनी है, इस पे 30 काउंट में समझ लो 24 टीथ बाई 2 पिन में आता है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो आपको वही चलने देना। मशीन टू मशीन भारी होता है, कभी एक दांत कम होता है कभी ज़्यादा होता है किसी मशीन में। समझ लो आपकी 64 ग्राम के लिए 30 काउंट में 24 टीथ बाई 2 पिन है, तो उतना मेंटेन रखना, हल्का नहीं करना। हल्का करेगा और बार बार ड्रॉप आएगा, फिर आपको गेटिंग मारना पड़ेगा, मशीन बटन में ब्रेकेज ज़्यादा रहता है तो इसको बराबर आपको ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए रैचेट हल्का नहीं चलानी और भारी भी नहीं चलानी। भारी चलाएगा तो रिंग कट हो जाएगा, रिंग कट हो जाएगा मशीन संभलेगा नहीं, छल्ला जाम हो जाएगा। और इन केस ऑफ मशीन जाम हेल्प अदर साइडर्स टेक हेल्प इफ योर मशीन जाम। अगर समझ लो आपके पास 30 मशीन है, आप 2 मशीन चला रहे हो, अगर समझ लो बाई चांस आपके बाजू वाला कारीगर का मशीन जाम है, इसको आपको मदद करनी है, और आपका मशीन अगर जाम है वो बाजू वाला कारीगर आपको ही मदद करेगा। ये आप लोग का अंदर का रिलेशन रहना चाहिए कि भाई अपना मशीन बराबर है, वो भाई का मशीन जाम हो रहा है, इसको थोड़ा मदद करें ताकि डिपार्टमेंट स्मूथ चले, ठीक है, वो भी आपको मदद करेगा। यूज पिसर्स बैग टू मेंटेन हाउस कीपिंग एंड वेस्ट सेग्रीगेशन। पिसर बैग होता है कारीगर का जो होता है हथियार जैसा रहता है, वो क्या करेगा, इसको जेब रहता है, किस में रोबिंग रखना है, किस में बोंडा रखना है, 2 जेब रहता है उसमें ऐसे रखना पड़ता है। अगर आप पिसर बैग नहीं बांधोगे, समझ लो आपने वेस्ट सब नीचे गिरा, नीचे गिरा तो हाउस कीपिंग खराब होगा, रिटर्न एयर डक्ट जो होता है वो जाम होगा, हवा खींचेगा नहीं बराबर, हवा नहीं खींचेगा मशीन में गर्मी बढ़ेगा, डिपार्टमेंट में गर्मी बढ़ेगा तो फिर ब्रेकेज बढ़ेगा। तो कुल मिला के पिसर बैग का बहुत फायदा होता है। ये तो अच्छा वेस्ट खराब होने से बच जाता है, और दूसरा चीज़ और अपना टेम्परेचर मेंटेन होता है। पिसर बैग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। यूज करेक्ट बॉबिन्स फॉर गेटिंग अप मशीन। जब अपना डंपिंग हो जाता है उसी मशीन का बॉबिन से गेटिंग मारना है। अगर कलर माल चलता है, जिस कलर का माल चलता है उसी कलर का बॉबिन से गेटिंग मारना, उसको खास करके ध्यान रखना, नहीं तो रॉन्ग गेटिंग हो जाएगा तो कंप्लेन आ जाएगा मार्केट से। उसके बाद देखो फाइट विथ फायर आज एंड व्हेन। जब आग लगता है उस टाइम आपको फाइट करना है, आग के साथ मदद करना है, पूरा डिपार्टमेंट में ऐसे ही नहीं जाने देना। और लास्ट पॉइंट देखो एक लिखता हूँ, एनश्योर ओवरहेड वेस्ट इज रनिंग। अगर आपकी मशीन में ओवरहेड कभी बंद पड़ता है, डफिंग के टाइम में बंद रहेगा, बाकी टाइम कभी बंद पड़ता है, तुरंत जॉबर और सुपरवाइजर को बताने का, इसको सही कराना आपका ही काम है। ओवरहेड खराब रहेगा आपकी कभी कंट्रोल नहीं रहेगा ब्रेकेज। ये रहा रिम फ्रेम का वर्क इंस्ट्रक्शन।
और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।